वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, नेहरू वाली आजादी, पाक वाली आजादी, वो इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाब 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीत लेंगे आजादी, वो बच्चा बोला आजादी, वो बूढ़ा बोला आजादी, वो महिलाएं मांगे आजादी, वो पुरुष भी मांगे आजादी, देश बचाने निकले हैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम खारघर सेक्टर 30 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे की जो तमाम महिलाएं यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर जो है अब खारघर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। जो महिलाएं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, हालांकि ये प्रोटेस्ट जो है कल शुरुआत हुई है इस प्रोटेस्ट की, और इस प्रोटेस्ट का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। जिस तरह से जामिया में NRC और NPR के खिलाफ जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर जो है फायरिंग की खबर सामने आई, उसी तरह से आज शाहीन बाग में जो है जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को हटाने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को हटाने के लिए वहाँ पर तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे, लेकिन उसके बावजूद भारत में अब एक नए नए करके शाहीन बाग तैयार हो रहे हैं। यानी कि बात करें अगर महिलाओं की, तो अब इस संविधान के बचाने के लिए जो है अब महिलाएं अपने घरों से निकल के जो है हर जगह लगभग एक नया शाहीन बाग बनकर तैयार हो रहा है। सरकार के खिलाफ महिलाओं का बिगुल बज रहा है। जिस तरह से इस काले कानून को लेकर अब महिलाएँ अपने घरों से निकल के सड़कों पर शाहीन बाग की तर्ज पर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब दिल्ली का जो शाहीन बाग की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जिस तरह से उस प्रोटेस्ट को ख़त्म कराने के ये तरह तरह के जो ताकत वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तरह तरह से जो है दिल्ली में चुनाव जो नज़दीक है, उस चुनाव को देखते हुए वहाँ पर उस प्रोटेस्ट को ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है। रास्ता खुलवाने की बात कहकर प्रोटेस्ट को ख़त्म कराने की बात की जा रही है, लेकिन अब पूरे भारत में चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, हर जगह नया शाहीन बाग बन रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो भिवंडी में शाहीन बाग है, मुंब्रा में शाहीन बाग है, मुंबई में शाहीन बाग है, अब खारघर में भी शाहीन बाग बनकर तैयार हो गया है। कल से यहाँ पर महिलाएं इस संविधान बचाने के लिए जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। जो NRC NPR के खिलाफ तमाम महिलाएं जो अपने घर से निकलकर अब सरकार के खिलाफ जो है बिगुल बजा रही हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। जिस कल से जो है यहाँ पर शाहीन बाग के तर्ज पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मांग है आपकी सरकार से? जिस तरह से कानून लाया गया, इस कानून को वापस करने की मांग आप लोग कर रहे हैं? पहली बात तो ये तीनों निकलना चाहिए, और मेरी आई थिंक मांग स्टेट गवर्नमेंट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बाद में, पहले स्टेट गवर्नमेंट से उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट से है, कि आप जैसे केरला के CM ने, पिनियारी जी ने जो रेजोल्यूशन भेजा है, और वो उन्होंने सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं भेजा, वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, वैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक रेजोल्यूशन नहीं निकाला है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति नहीं रहेंगे ये लॉ को लाने में, इम्प्लीमेंट करने में। और ये उद्धव ठाकरे जी ने आई थिंक हाई टाइम नाउ, इनकी जो महागाड़ी गवर्नमेंट है, इन्होंने ये स्टांस लेने की ज़रूरत है, रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है, कि आप लिखित आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको आप एक आश्वासन दीजिए कि ये हम लिखित आपको एक आश्वासन दे रहे हैं, जैसे केरला के CM ने किया है, कि हम यहाँ पे ये लागू नहीं करेंगे। यानी उद्धव ठाकरे जी से आप लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि ये कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल। BJP सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? कोई उम्मीदें नहीं है उनसे, लिटरली कोई ना, हमें नहीं लगता कि वो, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता है कि वो किसी की भी सुनना चाहते हैं। अगर सुनना चाहते होते तो अब तक कब का सुन लिया होता। तो अच्छा, जिस तरह से ये शाहीन बाग की तर्ज पर यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर अब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है यहाँ से जो है महिलाओं को हटाया जाए। वहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ संगठन के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं हटाने के लिए, रास्ता खुलवाने के लिए। जामिया में प्रोटेस्ट में फायरिंग की गई, तो ये सब क्या लग रहा है आपको जो है कि आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल,
डेफिनेटली सवाल ही नहीं आता है, बहुत ऑब्वियस है ये बात, ऑब्वियस ही बात है कि आवाज़ तो डेफिनेटली दबाने की कोशिश कर रही है, और ये आज नहीं है, ये जब से सरकार आई है इनकी 2014 में तब से ही आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। आप आरटीआई एक्टिविस्ट की हालत देख लीजिए, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की हालत देख लीजिए, आप जो भी एनवायरमेंट के लिए कुछ भी बोलता है उनकी हालत देख लीजिए, जो कोई भी आएगा और गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से सहमति नहीं दिखाएगा तो उनको नहीं चलेगा, उनको बस आप बस फॉलो करते रहो, वो जो बोले वो आप बस चुपचाप सहन करते रहो, चुपचाप वो उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो। यानी उनके खिलाफ गए तो आप जो है देशद्रोही हो जाएंगे। हाँ डेफिनेटली एंटी नेशनल हो जाएंगे, अर्बन नक्सल हो जाएंगे, पता नहीं और क्या क्या उन्होंने लगा दिए अब तक, वो सारे हम सब हो जाएंगे। तो ये तो कब तक चलेगा, अभी 6 साल होने आए हैं उनके टर्म को, ख़त्म होने आए, दूसरा टर्म भी मिल चुका है, और ये अभी नया निकाला है ये लोग ने, पहले तो कश्मीर के साथ जो किया वो 370 वो भी गलत है, वो भी निकालने की ज़रूरत है, जिस तरीके से किया है बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा गलत बात है ये कश्मीरियों के साथ में जो हो रहा है। अभी 6 महीने ऊपर हो चुके हैं, अभी तक वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन है, ये बिल्कुल 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 सहमति, ये बहुत गलत बात है। और ये हम कश्मीर के साथ जो किया उसके बारे में बात कर सके, उसके पहले तो उन्होंने ये CNRC और NPR निकाल के हमारे गले बांध दिया, तो हम एक इशू के लिए लड़े उतनी देर में दूसरा इशू लाके खड़ा कर देते हैं, तो ये तो डेफिनेटली गलत बात है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से इस कानून को लेकर विरोध हो रहा है, सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग उनको भी कहीं ना कहीं जो है गोलियों की आवाज़ से धमकाया जा रहा है, किसी भी संगठन द्वारा जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट करके उनको हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं वो अभी भी वहाँ पर डटी हुई हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं गुंडागर्दी से और ज़िद से सरकारें नहीं चलती हैं, वो लोग बोलते हैं आकर स्टेज पर, अमित शाह जी बोलते हैं कि हम एक इंच भी नहीं हटेंगे, एक इंच भी हम लोग नहीं हिलने वाले, वो ये बोलते हैं, लेकिन इस तरह से गवर्नमेंट्स नहीं चलती, इस तरह से सरकारें नहीं चलती हैं। उनको लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, एटलीस्ट आके लोगों से, उनको नहीं दिखाई दे रहा है क्या इतने लोग घरों से बाहर निकल के बैठे हैं, इतना प्रॉब्लम में सब लोग हैं, कुछ आके उनसे कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए इस चीज़ का, आकर उनसे बात करें। एटलीस्ट शाहीन बाग में इतना मुद्दा अभी उठा हुआ है, हम भी कल भी देख रहे थे कि वहाँ पर इतना गोली चल रही है, इतना सब प्रॉब्लम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उस चीज़ को वो लोग कैसे इग्नोर कर देते हैं, उस न्यूज़ को कैसे दबा देते हैं, एक दिन चलता है, दो दिन चलता है, तीसरे दिन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तब तक कोई दूसरा नया मुद्दा खड़ा हो जाता है, इसके लिए हम लोग पहले पे सोचने से पहले ही वो ख़त्म हो जाता है, नए में उलझ जाते हैं हम, ऐसा हमको हर अगली चीज़ पर उलझा दिया जाता है। ठीक है, और रही है NRC और CANPR, ये तो इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो सड़कों पे उतरी है ना, ये वापस तो नहीं होने वाली है। अब वो कहते हैं हम एक इंच नहीं हटेंगे, जनता कहती है, लेकिन अब वो आधा इंच भी नहीं हटेगी जनता अड़ जाएगी और अड़ रही है, जनता आगे सड़कों पे उतरी हुई है, स्टूडेंट्स स्पेशली स्टूडेंट्स उतरे हुए हैं और ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है, अगर उनको ज़िद है तो हमको भी ज़िद है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप लोगों का ये प्रोटेस्ट जो है कल से शुरुआत हुई है इसका, तो अभी देखा जा रहा है कि महिलाओं का जो है यहाँ पर भीड़ काफ़ी हो रहा है, तो कब तक यहाँ पर जो है ये प्रोटेस्ट आप लोग जारी रखेंगे, क्या कल से आप लोग शुरुआत किए तो क्या शासन प्रशासन के तरफ से आप लोगों के ऊपर कुछ दबाव आया कि यहाँ पर प्रोटेस्ट मत करो या किसी भी तरह का, और आप लोगों को कुछ नोटिस वगैरह कुछ दिया गया? नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे यहाँ की पुलिस भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन बस ये है कि हमारी मांग है, हम लोग कब तक बैठने का हमारा इरादा है, देखिए हमें शौक नहीं है सड़कों पे, हम अपना आराम अपना काम छोड़कर हम सड़कों पे आएँ, रही बैठने की बात, कल कानून वापस ले लिया जाए हम कल ही हट जाएंगे, अगर कानून वापस नहीं लेंगे तो हम लोग नहीं हटने वाले, निकले हैं ना हम, सोचकर ही निकले, हम वापस नहीं हटेंगे अभी, तब तक लोगों को, अभी कुछ लोगों को ये देखने के लिए आ रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम्स का मुद्दा है, लेकिन ये मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, वो लोग नहीं समझ रहे अभी इस चीज़ के लिए, जब उनको समझ आएगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए सब लोग मिलकर यहाँ पे आते हैं, सब लोग करते हैं तो उससे ज़्यादा बहुत इफ़ेक्ट जाएगा, आधे लोगों को लग रहा है ये हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं, ये मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, और रही बात ये हम मुस्लिम्स के लिए नहीं यहाँ पे आए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करेंगे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ हो रही है, हम लोग कभी सड़कों पर नहीं आए, ये लोग ये चीज़ ये भी जानते हैं कि मुस्लिम्स कभी सड़कों पर नहीं आए, 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, बाबरी मस्जिद का मुद्दा रहा हो, हम लोगों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है, ठीक है जैसे गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट का हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हम लोगों ने माना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, इसी के लिए हम लोग सड़कों पर आए हैं, और वापस अभी हमारा तो कोई इरादा नहीं है वापस होने का।
तो जिस तरह से आपने सुना कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो महिलाएं, इनका कहना है कि जो है अगर सरकार जो है इस कानून को वापस ले लेती है तो ये प्रोटेस्ट कल ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस तरह से महिलाओं की हम बात करें तो इन तमाम महिलाओं का कहना है कि महिलाएं कोई खुशी से घर से बाहर नहीं निकली हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, इसलिए ये तमाम महिलाएँ जो है अब सड़कों पर उतर चुकी हैं और सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार जो है CAA, NRC और NPR को जो है वापस ले। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, खारघर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।